आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में काजू गांव के बाहर पुलिस और बदमाश के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। दरअसल पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कोखरास थाना क्षेत्र के नथई के पूरा गांव का रहने वाला बदमाश मानसिंह पासी चरवा थाना इलाके के काजू गांव में छिपा हुआ है। सूचना पर एसओजी टीम ने चरवा पुलिस को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस की घेराबंदी की जानकारी मिलते ही बदमाश मानसिंह ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने खुद को घेरा देख मानसिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो एक गोली बदमाश के पैर में लग गई। बदमाश को घायल हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एसपी अभिनंदन ने बताया है कि पुलिस बल ने मुठभेड़ में लूट, राहजनी, छिनैती, गैंगस्टर जैसे चार मामलों में वांछित चल रहे बदमाश मानसिंह को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। इस पर 50,000 का इनाम घोषित है। बदमाश को पैर में गोली लगी है। घायल हालत में उसका इलाज जिला अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच किया जा रहा है। बदमाश मानसिंह पासी पर जनपद में विभिन्न धारा क्षेत्रों में 22 के करीब मुकदमे दर्ज हैं। आज एक यहाँ कुख्यात लुटेरा मान सिंह पासी, जिसको जो कई मुकदमों में वांछित चल रहा था और जिसके पीछे हमारी जो है स्वाट टीम्स और कई थानों की पुलिस लगी हुई थी, वो सीओ चायल के निर्देशन में आज उसको हम लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन उस व्यक्ति ने जैसे ही उसे ये अंदाज़ा लगा कि पुलिस उसके पकड़ लेगी, उसने पुलिस पर फायर किया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी उसके ऊपर फायर किया, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी है। ये व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है और थाना कोखरा क्षेत्र का रहने वाला है। 22 से अधिक मुकदमे इसके ऊपर संपत्ति संबंधी अपराधों के पंजीकृत हैं, जिसमें कि 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि 30-35 लाख तक की लूट इसने अंजाम दे रखी है। चार मुकदमों में ये वांछित था। तो इस तरीके से ये काफ़ी इसका आतंक था इस जनपद में, जिसको कि आज हम लोगों ने एक काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित था, और इस तरीके से एक बड़ी सफलता आज हम लोगों ने हासिल की है। और आगे की जो विधिक कार्यवाही है वो हम लोग इसमें कर रहे हैं।